देखिए, ये दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं, और मैं समझता हूं कि मणिपुर की हिंसा 4 महीने से चल रही है। प्रधानमंत्री खामोश हैं, एक क्रूर और संवेदनहीन शासक के रूप में प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए हैं। अगर इतनी बड़ी घटना के बावजूद मोदी जी नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं सहमति है। देश जल रहा है, मोदी जी खामोश हैं। रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, यही हालत है। सबसे पहले मणिपुर के ऊपर वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उस सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। आज उसकी चर्चा नहीं करते, अभी ये जो मुद्दा है इस पे बात करते। देखिए, ये दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं, और मैं समझता हूं कि मणिपुर की हिंसा 4 महीने से चल रही है। प्रधानमंत्री खामोश हैं, एक क्रूर और संवेदनहीन शासक के रूप में प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए हैं। अगर इतनी बड़ी घटना के बावजूद मोदी जी नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं सहमति है। देश जल रहा है, मोदी जी खामोश हैं। रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, यही हालत है। सबसे पहले मणिपुर के ऊपर वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उस सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। आज उसकी चर्चा नहीं करते, अभी ये जो मुद्दा है इस पे बात करते।